हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज अपडेट्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ है एक शॉकिंग वाली और एक बिजनेस वाली अपडेट्स देने वाली हूँ। सो वो अपडेट रिलेटेड है ममता मैम के न्यू प्रोजेक्ट से और राहुल वीर के न्यू प्रोजेक्ट से। सो गाइस, इस वीडियो के जो आप लोग को एंड तक बने रहना है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। सो गाइस, राहुल सुधीर का जो है एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा था, बट ये न्यूज़ कंफर्म है। यस यस यस, कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। हाँ, आ रहा था, ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा था। हाँ, उनको एक वेब सीरीज सेट दी गई है। सो मैंने मेरे अगले वीडियो में आप लोगों को बताया था ना कि राहुल सुधीर को एक वेब सीरीज ऑफर की गई है या फिर नहीं, ये तो मतलब कन्फर्म अपडेट आया है या नहीं मुझको पता नहीं, बट अभी मैं कंफर्म होकर बोल रही हूँ आया है या नहीं। सो आया नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट है उनको नहीं मिला है अभी तक। और ममता मैम के न्यू प्रोजेक्ट की बात आती है, सो ममता मैम का अभी जो है वो उनको जो एक मतलब अभी ये न्यूज़ आ रही है कि ममता मैम जो है अभी इमेश में मजाओं को ला रही है, मतलब कोई न्यू शो ला रही है, वो तो अभी वेब सीरीज नहीं लाएगी। तो वो जो है अभी ममता मैम एक जो है शो को ला रही है। सो उसका नेम है इश्क में मजाओं सीजन 3, मतलब उनको तो पता है। सो जो है मतलब शो अभी ये कंफर्म नहीं है या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं कि वो एक शो ही ला रही है इश्क में मजाओं सीजन 3 ला रही है। और आप लोग कुछ रंग प्यार के ऐसे भी शो में जो भी मतलब मैं उनके कुछ रंग प्यार के ऐसे भी शो को नहीं देखती हूँ, सो मुझको नहीं पता उसके क्या क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है। सो तभी भी मैं आपको बता देती हूँ, उस शो पर जो भी मतलब एक कैरेक्टर है ना, जो भी मतलब रियाज की तरफ जो भी जोड़ी है रियाज की तरह उस शो पर ममता मैम के, तो अभी जो अपडेट्स आ रही है सो उस पे बताया जा रहा है, मतलब अपडेट्स पे आ रहा है कि ममता मैम के न्यू प्रोजेक्ट, जो भी न्यू प्रोजेक्ट आएगा शो, मतलब इश्क में मजाओं सीजन 3 ही क्यों ना हो, सो उस पे जो है कुछ रंग प्यार कैसे भी जोड़ी, मतलब शो के जो भी जोड़ी है रियाज की तरह, सो उसको जो है वो रखेंगी, रियाज को नहीं रखेंगी। और हेलिशा की बात आती है, सो हेलिशा जो है अभी हेलिशा का कुछ भी न्यूज़ नहीं आ रहा है। और अभी ममता मैम जो अपने सोशल मीडिया के मतलब इंस्टाग्राम जो भी आप लोग कह सकते हैं, सो सोशल मीडिया मतलब सब कुछ ही होता है, यूट्यूब ये वो जो भी, सो ममता मैम अभी इंस्टाग्राम पे राहुल सिद्धि के पोस्ट जो है कर रही है, शेयर कर रही है। सो मुझे जितना लगता है और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट, सो अभी ममता मैम जो है जो भी न्यू प्रोजेक्ट लाएगी वो राहुल सिद्धि के साथ ही लाएगी। बट अब राहुल सिद्धि के साथ लाएगी या नहीं, मतलब और के एक्ट्रेस रहेगी, हेली रहेगी या नहीं, ये तो मुझको पता नहीं। और हेली के वो जो है नहीं डाल रही है, और ममता मैम कोई भी न्यू प्रोजेक्ट चाहे उसमें चाहे सीजन 3 ही क्यों ना हो, सो उसमें रियाज जोड़ी अगर नहीं रहेगी तो कोई भी नहीं देखा ममता मैम, तो ये जानबूझ के नहीं करेगी। और राहुल सुधीर के बिना तो राहुल सुधीर के ऊपर ही तो सो का पूरा बादशाह बोलते हैं ना लोग, बादशाह एक सॉन्ग देखे जाए वहाँ पर, मतलब एक बार वंशा सिंह का कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया था उस सॉन्ग पे, बहुत ही अच्छा था वो सॉन्ग, उनका जो है सब लोग बादशाह फिर से लौट रहा है हमारा, बट ऐसा लग रहा है, बट ऐसा है कि नहीं ये तो मुझको पता नहीं। बट ममता मैम जो है ना, ममता मैम अभी कोशिश कर रही है कि वो राहुल सुधीर को ले, और अभी राहुल सुधीर को वो पोस्ट भी कर रही है, उनके फोटोज़ को वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही है, मतलब पोस्ट कर रही है। मुझे जितना लगता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट, अगर लेटेस्ट अपडेट्स की मानी जाए, सो राहुल सुधीर को कोई नहीं, मतलब वो जल्द ही मुंबई लौटने वाले हैं। और ये सब जो न्यूज़ मैं आप लोग बोल रही हूँ, आप लोग सोचेंगे ये सब न्यूज़ तो हम लोग को कभी नहीं मिला, मतलब कुछ रंग प्यार के ऐसे भी शो में जो भी रियांश की तरह जो भी जोड़ी, मैं ये नहीं बोल रही कि रियांश की तरह ही उसमें जोड़ी है, जो जैसी भी जो भी जोड़ी है उसको वहाँ पर वो ले सकती है, ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा है कि वो ममता मैम ने, मतलब अगर लेटेस्ट अपडेट्स में यह आया है कि ममता मैम ने कहीं कहा है या फिर कुछ लिखा है या फिर कुछ भी किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि वो अपने सारे के सारे जो भी हो निकालेगी, मतलब शो जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसमें वो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी शो के जोड़ी को ही लेगी। सो सच में लेगी या नहीं ये तो मुझको पता नहीं, बट ले भी सकती है, उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। और हेली शाह की बात आती है, हेली शाह अभी वो फोटोशूट तो करी, अभी वो लाडा गई थी, अभी वो कहाँ पर है इस फिलहाल, वो कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं, बट राहुल देहरादून पे है और वो जल्द ही मुंबई जो रिटर्न आने वाले बैक आने वाले। सो वो जो अब जो हेली की बात आती है, सो हेली शाह को ही पता होगा कि हेली शाह को ममता मैम ने कुछ मतलब बताया कि उनके न्यू प्रोजेक्ट में मैं तुमको रखना चाहती हूँ, ऐसा कुछ कहा या नहीं, ऐसा कुछ हेली शाह जो अभी लाइव भी नहीं आती है, कुछ दिन से वो जो है लाइव नहीं आ रही है, मतलब वो कभी अभी वो बहुत दिन पहले ही लाइव आई थी आदित्य खुराना जी के साथ, वो जो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स के साथ वो लाइव आई थी, उसके बाद जो है उन्होंने और कोई भी लाइव जो है नहीं किया है। और राहुल सुधीर की जो बात आती है, राहुल सुधीर अभी जो है लाइव कर रहा है, दो चार अभी तक वो जो है 6-7 लाइव जो है वो कर चुके हैं, बट हेली शाह भी कोई भी लाइव
नहीं कर रही है, और हेली शो लाइव में आती भी है, राहुल सुधीर के साथ आती है, और यान जोड़ी को रखने की बात आती है इसमें मजौन सीजन 3 में। सूर्या और यान सब कुछ है, सब कुछ ममता मां के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वर्षा सिंघानिया रहेगा तो वही मतलब वो वर्षा सिंघानिया को ही रखेंगी मुझे जितना लगता है, मतलब राहुल सुधीर को ही रखेंगी अपने शो में, क्योंकि अभी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि ममता मैम का न्यू प्रोजेक्ट है। ममता मैम को एक जो है बुक मिली है ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा था, बट मिली है या नहीं ये मुझे पता नहीं। यही बस अपडेट मेरे पास आए थे जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया। सो ज़्यादा से ज़्यादा ना इस अपडेट के जो जो लोगों के अपडेट चैनल हैं मेरे चैनल को लोग फॉलो करते हैं, मेरे अपडेट्स कॉपी करते हैं, तो मैं उन लोगों को बोलूँगी हाँ आप लोग मेरे अपडेट्स को कॉपी कर सकते हो, इस न्यूज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ मेरे चैनल को, ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जो है इस वीडियो को ऐसे मतलब बताइए जो इस वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप लोग इस वीडियो को जो है जाके देखिए, इस न्यूज़ को जो है स्प्रेड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो इस चैनल ने इस अपडेट को दिया है। सो इस न्यूज़ को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है और कुछ नहीं करना है, फैलाना है अपने सारे सोशल मीडिया पे जो है स्टोरी रखो, फैलाओ, पोस्ट करो ताकि मेरा चैनल जो है आगे बढ़े। सो यही था बस अपडेट, आई होप यू लाइक दिस अपडेट। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर बताया था कि 5 मिनट का वीडियो रखा, बट हम लोग को जो है बहुत सारे अपडेट मुझे जो है बहुत सारे अपडेट मिल गए थे, इसलिए जो आप लोग को बता दिए इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में बता दिया। सो गाइस आज मैं घूमने जाने वाली हूँ, सो आज से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, मतलब एक ही लॉन्ग वीडियो आज मैंने डाल दिया, कल मैंने लाइव किया था, सो आज जो है लाइव नहीं करूँगी। मैं लाइव कर सकती थी बट मैं आज घूमने जाऊँगी सो लाइव नहीं कर पाऊँगी जिस टाइम मैं लाइव करती हूँ हमेशा, तो इसलिए जो है इस वीडियो के यहीं भी एंड होता है। आज ज़्यादा वीडियो मतलब लॉन्ग वीडियो और नहीं आएगा, यही बस लॉन्ग वीडियो था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो गाइस इस वीडियो का यहीं पर एंड होता है, कोई न्यू धमाकेदार अपडेट्स के साथ मैं आप लोग फिर से मिलती हूँ कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।